नमस्कार, मैं किशोर कुमार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर झुंझुनू जिले के लोयल से हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। हेड कांस्टेबल विकास कुमार की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। पुलिस लाइन झुंझुनू द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आपको बता दें कि लोयल निवासी विकास कुमार 30 वर्ष झालावाड़ के अकलेरा थाने में कार्यरत थे। डेंगू से मौत हो जाने पर गांव में शोक की लहर छा गई। जैसे ही गांव में शव पहुंचा तो शव को देखकर माता पिता व पत्नी व भाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंत्येष्टि में काफ़ी ग्रामीणजनों सहित आसपास के काफ़ी लोग वहां पर एकत्रित हो गए। हजारों ग्रामवासियों, दुकानदारों, व्यापारियों ने मौत की खबर सुनकर बाजार बंद कर दिए और अंत्येष्टि में शामिल हुए। ऐसे ही रमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोयल निवासी कांस्टेबल विकास कुमार पुत्र सुभाष चंद्र लांबा अकलेरा थाने में गत 6 जुलाई 2015 से कार्यरत है। अपनी ड्यूटी करते हुए गत बुधवार की रात अचानक तबीयत खराब होने से उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, वहां पे उनकी मौत हो गई। लोयल का रहने वाले थे और झालावाड़ में अकलेरा थाने में थे जी सर। जो इनकी कोई बीमारी होने से और अस्पताल में भर्ती हुए थे, दौरान इलाज खत्म हो गए, जो डेंगू बुखार होना बताया। अच्छा जी, ड्यूटी थे ऑन ड्यूटी पर थे अकलेरा थाने में ड्यूटी पर। ठीक, कुमार था 6 जुलाई 1915 को पुलिस राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। उसके बाद से ही अपने कार्य में कुशलता के साथ काम करता रहा। अभी कल इनके निधन की दुखद समाचार मिला, उसके बाद से सारे गांव में शोक की लहर है। विकास कुमार 6 जुलाई 2015 को ये राजस्थान पुलिस के अंदर भर्ती हुआ था। झालावाड़ इनकी ड्यूटी थी और डेंगू बुखार के कारण इसकी मृत्यु हुई।